तुम्हारी दीदी हार गई ना, तो इस खुशी में तुम सबको छुट्टी। वापस आओ, मैं कहती हूँ वापस आओ, नहीं तो मैं एक एक को ठीक कर दूंगी। बदतमीज जाहिल गवार कहीं के, तुम्हें क्या हक था बच्चों को छुट्टी देने का? जी जी, ऐसा क्या गजब हो गया? खेलने कूदने दीजिए बच्चों को। खेलने कूदने दो, जैसे बेकार आवारा अनपढ़ खुद हो वैसा इन बच्चों को बनाना चाहते हो। बेकार आवारा, आप ठीक कहते, अनपढ़ यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ढो सकता था, स्टेशन पर हमाली कर सकता था, मगर क्या करूं, मैं ग्रेजुएट हूं, बीए पास। बीए पास, एक और झूठ। जरा अपना हुलिया तो देखो, कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है? खा गई ना आप भी कपड़ों से धोकर। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गंवार न कहे। इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी, जिस दुनिया में आप रहती हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं उसके कपड़ों की इज्जत होती है। शार्कस्किन के सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती है। ये बात नहीं, हम लोग खुद कोई अमीर नहीं, तुम देख सकते हो ये सारी बस्ती है गरीबों की। यही तो दुख है, आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता। मेरी जापानी हालत देखकर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन नहीं, इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूं। ये देखिए, मैं वाकई बीए पास हूं, ग्रेजुएट हूं। ये देखिए मेरी डिग्री, देखिए। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है, ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो? इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है, या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा। और सच पूछिए तो दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की चीज है।